वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा गौरव ग्रोवर द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में थाना नौहझील पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहां नौहझील पुलिस ने 3 सातिर लुटेरों को लूटे हुए माल के साथ गिरफ्तार किया है। नौहझील पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। इसी सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नौहझील में पुलिस टीम और SOG मथुरा की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान 3 सातिर बदमाशों को भूरे का नहर पुल से 50 मीटर खैरा पुल के पास पकड़ लिया गया, जबकि 3 बदमाश पुलिस की टीम पर फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल से कूदकर भाग जाने में सफल रहे। पकड़े गए व्यक्तियों के नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई, तो पकड़े गए व्यक्तियों में से एक ने अपना नाम वसीम पुत्र शमसुद्दीन निवासी सुखदेव नगर थाना कोतवाली जनपद मथुरा बताया। दूसरे ने अपना नाम गोविंद पुत्र पूरन चंद अग्रवाल निवासी आजाद नगर सौंखरोड मथुरा कोतवाली बताया। वहीं तीसरे व्यक्ति का नाम कुलदीप पुत्र यशवीर निवासी आजाद नगर सौंखरोड मथुरा कोतवाली बताया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2 अदद मोटरसाइकिल, 3 अदद तमंचा, 315 बोर, 3 खोखा, वहीं 6 अदद जिंदा कारतूस और 90,000 रुपए, जो कि मुकदमा संख्या 2061/2020 से संबंधित है, तथा 20,000 रुपए और 924 ग्राम चांदी के गहने, जो कि मुकदमा संख्या 542/2020 थाना हाईवे से संबंधित है। पकड़े गए अभियुक्त एक शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद मथुरा में लूटपाट जैसी कई घटनाएं कर चुके हैं। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ के दौरान बताया, दिनांक 20 जुलाई को कोलाहर बॉर्डर के पास नौहझील से कलेक्शन कर ले जा रहे सेल्समैन के साथ उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए अभियुक्तों के संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये जनपद मथुरा में विगत कुछ दिनों से हाईवे और एक्सप्रेसवे के आसपास कुछ लूट की घटनाएं कारित हुई थी। उन्हीं घटनाओं के ऊपर लगातार टीम लगी हुई थी। आज उस गैंग के 3 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, वसीम, गोविंद और कुलदीप। इन्होंने 2 घटनाएं, एक तो एक कलेक्शन एजेंट के साथ नौहझील में कैश लूट की घटना और साथ में एक सुनार के साथ हाईवे थाना क्षेत्र में आभूषण की लूट की घटना को स्वीकार किया है। इनके कब्जे से हाईवे थाना में हुई लूट से संबंधित 924 ग्राम चांदी व 20,000 रुपये की नकदी जो है वो बरामद हुई है। साथ ही जो नौहझील की घटना है उससे संबंधित 90,000 रुपये की नकदी बरामद हुई है। इस गैंग में 3 और मेंबर्स हैं जो लगातार वांछित चल रहे हैं, उनके खिलाफ अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं। ये विशेष रूप से हाईवे के ऊपर कैश और आभूषणों के साथ चलने वाले लोगों को पहले ट्रैक करते थे, उनकी रेकी करते थे, बैकअप टीम के साथ उनके साथ लूटपाट करते थे और फिर इस घटना को अंजाम देते थे। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और इस सफलता के लिए पूरी टीम को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार हमारी तरफ से दिया जा रहा है। सर, टीम की बात करें तो उनका सरगना कौन और क्या है? देखिए, अभी 3 लोग वांछित किए गए हैं, उनमें जैसे ही अरेस्टिंग होगी और तथ्य प्रकाश में आएंगे और पूरा गैंग किस तरह से एक्चुअली काम करता था और किस तरह से घटना को अंजाम देता था वो जानकारी और प्राप्त होंगी, आपसे शेयर की जाएंगी। उसकी भी अभी जानकारी की जा रही है। ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है जो जनपद मथुरा में, अलीगढ़ और आसपास के कई एरियाज में इनका एरिया ऑफ एक्शन है, वहाँ पे एक काम करता था, उसकी जानकारी करके और कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।